आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रही हूँ, कहानी लिखने वाले के बकौल पर हकीकी और सच्ची कहानी है। आइए सुनते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। इंसान की ज़िंदगी में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात और गहरे नक़ूश छोड़ जाते हैं। कुछ वाक़यात तो ऐसे होते हैं जिनको सुनकर लोग मुश्किल से ही यकीन करते हैं, मगर ऐसे वाक़यात सच होते हैं। एक ऐसा ही वाक़या सुने जो कि हमारे दोस्तों के साथ पेश आया। ये बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सब दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आकर अपने मोहल्ले में जमा हो जाते तो खूब महफिल लगाते। एक दिन हम रात का खाना खाकर घर से बाहर निकले तो दोस्तों ने बोला, आज जुमेरात है और आज जिन भूत और चुड़ैलों का दिन है। मैं जिन भूतों पर यकीन तो रखता था पर कभी इनसे आमना सामना नहीं हुआ तो मैं इसकी बात सुनकर हंस दिया। इसने मेरी तरफ गुस्से से देखा और बोला, ये जो गांव से बाहर खेतों में जामन का दरख्त है, इस पर आज जिन भूत आएंगे। अगर नहीं यकीन तो तुम सब मेरे साथ जाकर देख लो। हम सब ने हामी भर ली और इसके साथ चलने को तैयार हो गए। मैं इस दोस्त का नाम बताता चलूँ, यहाँ इसका नाम नदीम था। वो अक्सर रात को अकेला खेतों में घूमा करता था, इसलिए इस पर कुछ दोस्तों ने यकीन भी कर लिया था पर हमने यकीन नहीं किया था। हम पांच दोस्त थे जिसके नाम थे आबिद, नासिर, साजिद, मुदस्सिर और नदीम। जैसे ही इशा की अजान हुई हम निकल पड़े इसके साथ खेतों में जिन भूत देखने। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी तो डर भी लग रहा था। अभी हमें चलते हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि एक खेत से बकरी के छोटे बच्चे के बोलने की आवाज़ आई। आबिद बोला, रुको, यहाँ पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब रुक गए और खामोशी से आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे कि किस तरफ से ये आवाज़ आ रही है। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। नदीम ने फौरन बोला, आवाज़ इस तरफ से आ रही है, जो 2-4 खेत छोड़कर ही बरसन का खेत था। आवाज़ वहाँ से आ रही थी। सर्दियों के दिन थे और इन दिनों में बरसन आम होता है। सब दोस्त इस तरफ जाने लगे तो नासिर ने बोला, छोड़ो यार, जो भी है हमें क्या लेना देना इससे, हम जिस काम के लिए जा रहे हैं इस तरफ चलो। पर कोई भी नहीं माना और बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ जाकर देखा तो एक छोटा सा बकरी का बच्चा वहाँ खेत में बैठा था। हम में से कोई कुछ बोलता इससे पहले ही नदीम ने कहा, लगता है जो यहाँ बकरियाँ चरवाने आते हैं इनका रह गया होगा, इसको उठा लो, सुबह पता लगा कर वापस कर देंगे। सब ने इसकी बात से इत्तफाक किया और ऐसा ही किया। इसको हमने उठा लिया और अपनी मंजिल की जानिब बढ़ने लगे। रात काफ़ी गहरी होती चली जा रही थी और हमारी डर में मज़ीद इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवर की आवाज़ें आ रही थीं। मुदस्सिर ने बोला, यार हमको वापस जाना चाहिए, आगे बहुत ख़तरा है। सब इस पर हंसने लगे और इसको डरपोक कहने लगे। खैर, वो खामोशी से इनके साथ चलता रहा। फिर रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आना शुरू हो गई। सब रुक गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। डर सबके चेहरों से साफ नज़र आ रहा था, पर कोई भी ये नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और अल्लाह का नाम लेकर इस जामन के दरख्त की तरफ बढ़ने लगे। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि हमें चलते हुए तो सामने ही वो दरख्त नज़र आ गया। हम सब दोस्त इस दरख्त से थोड़ा हट कर बैठ गए। सबसे पहले तो मुदस्सिर ने बोला, इस बकरी के गले में कोई रस्सी वगैरह डाल दो ताकि ये कहीं इधर उधर ना हो जाए। सब दोस्त रस्सी ढूंढने लग पड़े और जल्द ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई थी। इसको हमने इसके गले में डाल दिया और रस्सी नासिर को पकड़ा दी और सबकी नज़रें इस दरख्त पर भी थी। 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि इस जामन के दरख्त के ऊपर से एक बारीक सी लाल रंग की लाइट नज़र आई। वो लाइट इतनी बारीक थी और इतनी तेज़ थी, यहाँ बताना मुश्किल है। वो लाइट अभी दरख्त पर जाती, कभी दरख्त से नीचे आती,
हमारा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था और साथ ही पुरसरार आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हम सब ने उसी आवाज़ में दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ दोस्त वहाँ से भागने के लिए तैयार थे, हमने रोक रखा था इनको। फिर सब ने ही महसूस किया कि लाइट अब हमारी तरफ बढ़ रही थी। जब सब ने ये मंजर देखा तो वहाँ से भागने में ही बेहतरी समझी और इतनी स्पीड से सब वहाँ से उल्टे पांव भागे और हमारे पीछे इतनी खौफनाक आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, बस यही महसूस हो रहा था जैसे वो बिल्कुल हमारे पास ही हैं और किसी भी लम्हे वो हम सबको नुकसान पहुंचा सकती हैं। हमने हिम्मत न हारी और भागते रहे, वेट करते रहे और वापस गांव आकर सांस लिया। जब हम सब दोस्त गांव की हदूद में पहुंच गए तो मुदस्सिर ने नासिर की तरफ देखा और पूछा, आपके पास बकरी का बच्चा था, वो कहाँ छोड़ आए? इसने हाथ की तरफ देखा तो उसके हाथ में सिर्फ रस्सी थी। इसने बोला कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो ये सिर्फ रस्सी ही थी, बकरी का बच्चा किधर गया इसको कुछ मालूम नहीं। जब वहाँ से वापस दौड़े तो बकरी का बच्चा वहाँ हमारे साथ नहीं था, सिर्फ ये रस्सी ही थी। क्या वो सच में बकरी का बच्चा था या कोई और मखलूक थी? सब दोस्तों ने कहा, जो भी था हम सुबह सुबह वहाँ जाकर ज़रूर देखेंगे। जब सुबह हुई तो कोई भी वहाँ जाने को तैयार नहीं था सिवाय नदीम और मुदस्सिर के। वो दोनों खेतों में गए और इसी जगह गए तो उन्होंने वहाँ बकरी के बच्चे को मरा हुआ पाया जो जामन के दरख्त के बिल्कुल करीब ही पड़ा था। इसकी सिर्फ हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आ रही थीं। इस बकरी के बच्चे पे गोश्त का कोई नामो निशान भी नहीं था। वो दोनों समझ चुके थे रात को जो कुछ भी हुआ और इनका वहम नहीं था। इस तरह पर वाकई कुछ ऐसा था जो नदीम ने बोला था। इसके बाद वो वापस आ गए और कभी भी रात के टाइम बाहर घूमने से तौबा कर ली। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।